पैसे नहीं दिए तो जरूर खून निकलेगा, चल निकाल। भैया लोगों को कुछ भी उल्टा सीधा सुनाकर मैं अपना उल्लू सीधा क्या करता हूँ, मैं बीवी बच्चों वाला हूँ, सुबह से लेकर अब तक सिर्फ 50 रुपए की कमाई हुई है, ये जाकर देने पर ही घर में चूल्हा जल पाए। ये जवानी के दिन कितने सुखी दिन होते हैं, हमें इन जवानी के दिनों में प्रसन्नता पूर्वक रहना चाहिए, ऐसा प्रभु कहता है। इन दिनों में हमें प्रभु का आशीर्वाद मिलना चाहिए। क्या हुआ साहब, किसे ढूंढ रहे हैं? बस स्टैंड पर कॉलेज की दो लड़कियां खड़ी थीं। एक लड़के ने उनके पास जाकर बदतमीजी की, उसे ही पकड़ने के लिए हम दौड़ रहे थे पर वो भाग गया। आज अगर वो हमारे हाथ लग जाता तो उसे छठी का दूध याद दिला देता। ए, चला चलते चला। कुमार कुमार, तेरा जोक सुनकर हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द होने लगा। मेरे भी। कल भी इसी तरह के एक जोक सुनाना यार। ऐ, तू इसी तरह हंसता रहेगा तो एक दिन तेरा पेट फूट जाएगा। हंसने जैसी कोई कसरत नहीं है, इसे बड़े बूढ़ों का कहना है। और तू भी बस चुपचाप कोल्ड ड्रिंक पी। सुन, 10 बजे के शो का टाइम हो गया, जल्दी चलो। तो क्या आज भी कॉलेज गुल? हाँ यार चलो। चलो। भैया भैया एक मिनट, बिस्किट कूल ड्रिंक्स वगैरह खा पीकर पैसे दिए बिना ही जा रहे हैं क्या? पैसे? ए कुमार, ये तो तेरे से भी बढ़िया जोक बोल रहा है। ए, हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, ये जानते हुए भी हमसे पैसे मांग रहा, ये अपने पैसे वैसे किसी और से मांगना। चल भैया, इस दुकान से ही मेरा घर चलता है, ऐसा मत कीजिए। 40 रुपए का बिल हुआ है, मेहरबानी करके दे दीजिए। ए मैंने कहा ना, ये सारे पैसे किसी और से ले लेना, फिर क्यों हमें परेशान कर रहा है? चलो यार चलते हैं। भैया मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता, मेरे पैसे दे दीजिए। चल यार। तूने मेरा कलर पकड़ा है? तेरी तो जान गया, मैं जान गया, लोगों का भविष्य जान गया, जान गया, मैं जान गया, लोगों का भविष्य जान गया, मैं जान गया, लोगों का भविष्य जान गया। है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कौन हो तुम? भैया मेरा नाम है सुंदरलाल, मेरा गांव है भोपाल, देखो ना मेरा दिल डाल, मैं बता सकता हूँ तुम्हारा हाल।
समझा नहीं भैया। इस संसार में कौन सी चीज कहाँ पड़ी है उसका पता लगाया जा सकता है। सुनामी आने वाला है ये भी पता लगा सकते हैं, लेकिन मनुष्य के मन में क्या है ये कोई भी पता नहीं लगा सकता। संसार में केवल एक ही है जो बता सकता है। कौन है वो? मैं ही। किसके मन में क्या है 100% सच सच बता देता हूँ। क्यों, पहले ही सब पेपर में लिख के रखा? भैया लगता है तुम बहुत मजाकिया हो, लेकिन सच भी है। किसके मन में कौन से विचार हैं ये उसके मन में लिखा होता है। मैं आंखें बंद करके उसके मन में घुसकर क्षण भर में वो सब देखकर याद कर लेता हूँ। तुम्हारे मन में भी घुस के तुम क्या सोच रहे हो सब जानकर किस प्रकार के काम करके कैसे उन्नति पाऊंगा सब बता सकता हूँ। ऑर्डिनरी हो तो 50 रुपया, अर्जेंट हो तो 60 रुपया, एक्सप्रेस हो तो 70 रुपये। तुम्हें कौन सा चाहिए? सोच क्या रहे हो, जीवन में उन्नति नहीं चाहिए क्या? जीवन में उन्नति तो चाहिए, लेकिन जेब में पैसा नहीं है, घर में है। तो घर कितनी दूर है? यही 1.5 किलोमीटर। 60 किलोमीटर में पैदल चल सकता हूँ, ऐसा डॉक्टर ने मुझे सर्टिफिकेट दिया है। सर्टिफिकेट मेरी जेब में, कहो तो दिखाऊं? नहीं नहीं नहीं, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, तो घर चले। चलिए चलिए चलिए। जान गया मैं, जान गया लोगों का भविष्य, जान गया, जान गया मैं, जान गया लोगों का भविष्य, जान गया। क्या हुआ भैया, वहीं रुक गए, क्या हुआ? मैं अपनी जेब खर्ची के बारे में सोच रहा था, और अच्छा हुआ तुम जो मिल गए। क्या तुम्हारी जेब में जितने पैसे वो निकालो। चाकू, इससे तो खून निकल जाएगा। पैसे नहीं दिए तो जरूर खून निकलेगा, चल निकाल। भैया लोगों को कुछ भी उल्टा सीधा सुनाकर मैं अपना उल्लू सीधा क्या करता हूँ। मैं बीवी बच्चों वाला हूँ, सुबह से लेकर अब तक सिर्फ 50 रुपए की कमाई हुई है। ये जाकर तेरे पर घर में चूल्हा जल पाएगा? वो सब मैं नहीं जानता, चुपचाप ये पैसे मेरे हवाले कर, नहीं तो इस चाकू से तेरी जान भी जा सकती है। भैया भैया मैं तुम्हारा हाथ चोट, तेरी कहानी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अबे चल आज ये कहानी किधर को सुना, अबे चल ना, अबे जा भैया, मेरी तो जा भैया भैया भैया। राजा, मैं बहुत जल्दी में हूं, जो भी कहना चाहते हो जल्दी कहो। राजा, मैं तुझे अपना बेटा ही नहीं मानता हूं, अपना दोस्त भी मानता हूं। तो इसमें क्या हो गया? अगर दोस्त गलत मार्ग पर चला जाए तो उसे चाहने वाले दोस्तों को चाहिए कि उसे बुद्धिमती दें सही मार्ग पर लाने के लिए। सुनो, मैं अपना मार्ग बदल नहीं सकता, ना ही कोई बदल पाएगा। नहीं बदलने पर तुम्हें उससे क्या लाभ होगा? बोलकर मैं तुम्हारा मन दुखाना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम इस समाज की कोई सहायता करोगे तो उसमें सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। तुम्हें कुछ और नहीं सोचता? चाबी कमरे में ही भूल गया। राजा, क्या है? मेरी बात सुनकर जा बेटे। ओफो, आ बेटे। क्यों, क्या बात है? राजा, बिन मां के तुझको मैंने बहुत दुख उठा के पाला है, उस एहसान के बदले मेरी बात सुन के फिर चला जा। ठीक है जल्दी बोलो। माय डियर फ्रेंड, तुम्हारे बारे में जो बातें सुन रहा हूं एक जहर की तरह मन में उतर कर कांटे की तरह चुभ गई। इन सब का कारण क्या है जानते हो? क्योंकि तुम आज तक प्रभु को ठीक से समझ नहीं पाए हो। हां फ्रेंड, न्यू यदि मजबूत होगी तो ही बिल्डिंग भी मजबूत रह पाएगी। ठीक उसी तरह इंसान अपनी जवानी में प्रभु के वचन जितनी मजबूती के साथ अपने मन में रख पाएगा, वैसे ही वो सुरक्षित रह पाएगा।
तुझे भी सुरक्षित रहना चाहिए, पापी बनकर मत जियो। माय डियर फ्रेंड, प्रभु की संतान के मन में प्रेम रहता है, घृणा नहीं। प्रभु की संतान के मन में उदारता रहती है, कठोरता नहीं। प्रभु की संतान के मन में संतुष्टि वो समाधान रहता है, सहनशीलता, दया, करुणा, विश्वास, सांत्वना, इच्छा पूर्ति, ये सब उसके गुण कहलाते हैं। ये सारे गुण तुझ में भी आने चाहिए, तेरा भी गौरवपूर्ण जीवन होना चाहिए। बस यही तेरे इस फ्रेंड की इच्छा है बेटे। माय डियर फ्रेंड, एक बात और, माता पिता के पाप उनके संतानों को भोगने पड़ते हैं, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। उन वचनों का अनुसरण कर, मैंने अभी तक कोई पाप नहीं किया है बेटे। मेरी तरफ से तेरे लिए ये सबसे बड़ा उपहार होगा, इसीलिए बच्चे अपने माता पिता का आदर कर सही मार्ग पर चलने का प्रयत्न करें। प्रभु के इस वचन का हमें पालन करना चाहिए, क्या तू उस मार्ग पर नहीं चलेगा? नींव यदि मजबूत होगी तो ही बिल्डिंग भी मजबूत रह पाएगी। ठीक उसी तरह इंसान अपनी जवानी में प्रभु के वचन जितनी मजबूती के साथ अपने मन में रख पाएगा, वैसे ही वो सुरक्षित रह पाएगा। तुझे भी सुरक्षित रहना चाहिए, पापी बनकर मत जियो। मुझे फ्रेंड कहा? यस माय डियर फ्रेंड, मुझे फ्रेंड कहा? यस माय डियर फ्रेंड, प्रभु के संतान के मन में प्रेम रहता है, घृणा नहीं। प्रभु के संतान के मन में उदारता रहती है, कठोरता नहीं। संतुष्टि, समाधान, सहनशीलता, दया, करुणा, विश्वास, सांत्वना, इच्छा पूर्ति, ये सब प्रभु की संतान में होना चाहिए। मैंने सोचकर देखा, आपकी बातों में सच्चाई थी। अब प्रभु का प्रेम मेरा ये हृदय कभी नहीं भुला पाएगा। पिताजी, पिताजी, मैं चर्च जा रहा हूं प्रार्थना के लिए। ओके फ्रेंड, ओके फ्रेंड, ओके फ्रेंड। प्रिय बंधुओं, ये आपका चमत्कारी समय है। यीशु मसीह ही आज आपके लिए चमत्कार करके आपको संतुष्टि प्रदान करने वाला है। कोई एक भरपूरी आवश्यकता विवशता से आप रो रहे हैं? भयभीत ना होइए,
चमत्कार करने वाले प्रभु के होते हुए रोने की क्या आवश्यकता है। भयभीत ना होइए, आपके भयभीत वाले कार्य में चमत्कार करके वह आपको प्रसन्न कर देगा। वो न कर पाए वैसा कोई कार्य इस जग में है क्या? वो बहुत बड़ा प्रभु है। आज अपनी समस्याएं उसके समक्ष रख दीजिए। आपकी आवश्यकता उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो समस्त कार्य संभाल लेगा और आपके लिए बड़े बड़े कार्य करेगा, आज ही करेगा। हम उसी के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। प्रभु आज आपके भयभीत वाले कार्य में आपको विजय बनाएगा, आपके समस्त कार्यों को सफल बनाएगा। ठीक है, आपके लिए प्रार्थना करने से पहले बाइबल पुस्तक से पढ़कर एक वचन में आपको याद दिलाता हूँ। विशेष रूप से ये नवयुवकों से प्रभु बोलना चाह रहा है। नवयुवक व नवयुवतियां, कुमार अवस्था के बच्चे, आपने तो ये वचन पढ़े होंगे। आज आपके साथ प्रभु विशेष रूप से बात करना चाह रहा है। हो सकता है बड़े बूढ़े, मेरे घर में बेटे बेटियां, युवा बच्चे हैं, ऐसा कह सकते हैं, तो उन्हें बुलाकर इसी समय टीवी के सामने ये वचन सुनने के लिए साथ में बिठाइए। उनके साथ में विशेष रूप से बात करके मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। अगर वो नहीं बैठ पाए हैं तो उनके लिए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। उनके जीवन में आशीर्वाद व बदलाव चमत्कारी रूप से प्रभु अवश्य लेकर आएगा। आज अनेकों परिवारों में अभिभावकों की यही समस्या है। युवकों का किस प्रकार सही मार्ग दिखाया जाए इस बात से अनजान है। इसलिए अनेक माता पिता व बड़े बूढ़ों के बीच भिन्न भिन्न समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अपने बच्चों से दुखी होकर माता पिता बात करते हैं, ऐसा हम अनेक परिवारों में देखते हैं। क्योंकि प्रियजनों, नवयुवक भाई व नवयुवक बहन, आपके लिए बाइबल पुस्तक से मैं एक वचन पढ़ता हूँ। सभोपदेशक 12वां अध्याय 1वां वचन, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। ये प्यारे प्रभु का नवयुवकों को दिया वचन है। जवानी एक बार जाएगी तो लौट कर नहीं आएगी, ये एकदम सच है। ये जवानी के दिन कितने सुखी दिन होते हैं। हमें इन जवानी के दिनों में प्रसन्नता पूर्वक रहना चाहिए, ऐसा प्रभु कहता है। इन दिनों में हमें प्रभु का आशीर्वाद मिलना चाहिए। हम जब बुढ़ापे की ओर जाते हैं तो ये जवानी के दिन हमेशा हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। इसलिए जवानी का दौर मनुष्य के लिए एक महत्वपूर्ण दौर कहलाता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, वही हम कहना चाह रहे हैं। जो जवानी में नहीं कर पाए वो बुढ़ापे में कर पाएंगे। हम बुढ़ापे में बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के नाम से उपवास रखते हैं, उस पर श्रद्धा रखते हैं। कम से कम जवानी में तो अनुभव करना चाहिए, और उसका अनुभव लेने के लिए प्रभु कह रहा है। ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में हो सकता है। लेकिन प्रिय नवयुवक नवयुवतियां, इन जवानी के दिनों में अपने सृजनहार जिसने तुम्हारी सृष्टि की, उस प्रभु को भूलकर यदि आप सांसारिक जीवन व्यतीत करेंगे तो आपका आने वाला जीवन बहुत ही दर्दनाक परिस्थिति में आ सकता है। इस संसार के समस्त गुणों को अनुभव करना चाहिए, ऐसा जवान लोग कहते हैं। जो दिखाई दे उसे अनुभव करना है, ऐसा बोलते हैं। उसमें बहुत प्रसन्नता मिलती है, उससे मन संतुष्ट हो जाता है। पर सच्ची प्रसन्नता व संतुष्टि क्या है पता है? यीशु मसीह के समीप रहकर जीवन बिताना। उसके हमारे जीवन में रहने से कितनी बड़ी संतुष्टि मिलती है पता है? कई लोग क्या समझते हैं पता है? अपनी जवानी में यदि हम यीशु को अपनाएंगे तो हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, जॉली से नहीं रह सकते, संतुष्ट नहीं रह पाएंगे, मजे नहीं लूट पाएंगे, ऐसा बोलकर ऐसी गलत फहमी की सोच में बैठे हैं। वास्तव में यीशु मसीह को अपनाने के बाद ही एक अलग संतुष्टि प्रसन्नता प्राप्त होती है। प्रिय बंधुओं, सिर्फ बोलने से आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जवानी के दिनों में आप कॉलेज में प्रवेश कर रहे हैं, यह आपका पहला वर्ष है। वहां जाने पर कॉलेज का वातावरण, फ्रेंड्स और वहां की चहलकदमी देखने पर तब कहेंगे कि मुझे इन सब की अनुभूति चाहिए, तभी इन जवानी के दिनों का सही अर्थ निकल पाएगा। उसे अपनाते समय कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यीशु को अपनाने पर हम ये नहीं देख सकते, वो नहीं देख सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इस प्रकार से बोलकर हम कैसे संतुष्ट रह पाएंगे बोलते हैं। लेकिन यीशु को अपनाने के बाद ये जो संतुष्टि और अनुभव प्राप्त होता है, इसके सामने वो सब एक कूड़े के समान है। ओहो, उसमें मैं कुछ भी नहीं है, मैं इस कूड़े करकट को इतने दिनों तक अपनी संतुष्टि मान रहा था, इस कूड़े करकट के कार्य को मैं अपनी सबसे बड़ी प्रसन्नता मान रहा था, जबकि वह केवल धूल के समान है। उससे भी बढ़कर एक महान संतुष्टि, महान प्रसन्नता का अनुभव यीशु के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश होता है। उस संतुष्टि के सामने समस्त सांसारिक संतुष्टि कूड़े के समान बन जाती है। मैं अब जान गया हूं, वही कार्य आज प्रभु आपके लिए करने वाला है। क्या आपने ऐसा अनुभव किया है?
अनेक नवयुवकों से मैं बात कर रहा हूँ। इस प्रकार जवानी के दिनों में जो यीशु को अपनाते हैं उन्हें कितनी संतुष्टि मिलती है। पवित्र प्रभु का प्रिय बनकर जीना, उसके भविष्य में अनेक आशीर्वाद छा जाते हैं, ऐसा कई लोगों को मैं देख चुका हूँ। एक ने मुझसे कहा था, अपनी जवानी में मैंने यीशु को अपनाया, इसलिए आज मेरा जीवन आशीर्वादित जीवन बन गया है। लेकिन अपने आप से ही जूझ कर समस्त निर्णयों को स्वयं लेकर ही इसमें संतुष्टि मानकर मनुष्य का जीवन आज एक दुखी जीवन, वेदनाओं से भरा हुआ जीवन बन गया, मैंने देख लिया है। इसलिए प्रिय नवयुवकों, इन दिनों में प्रभु को याद कीजिए, अपने सृजनहार प्रभु को स्मरण कीजिए। उसके लिए उसने क्या किया पता है आपके लिए? कलवरी क्रूस पर उसने अपनी जवानी का लहू बहाया, कोणों की मार सह सह कर कलवरी क्रूस पर यीशु ने अपनी जवानी का लहू बहाया। आपके लिए प्रिय बंधुओं, आपके लिए बहनों, आप ही के लिए उसने स्वयं की बलि चढ़ाई। आज जब आप यीशु को अपनाएंगे तो आपके अंदर संतुष्टि व प्रसन्नता की लहर दौड़ने लगेगी। तब आपके द्वारा आपके अभिभावक संतुष्टि व प्रसन्नता प्राप्त करेंगे कि मेरा बेटा बाइबल पुस्तक पढ़ता है, वो पवित्र व शुद्ध रहता है बोलकर उनके अंदर एक चमत्कारी संतुष्टि की लहर दौड़ेगी। तब आपकी पढ़ाई में आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपका भविष्य आशीर्वादमय बन जाएगा, आपसे मिलने वाले आपके फ्रेंड्स, आपकी पहचान वाले सबके अंदर संतुष्टि समाएगी कि ये एक विचित्रमय है, ये विशेषमय है, ये प्रभु के संतान है, ऐसा बोलकर वो स्वयं गवाही देंगे। आप धन्य हो जाएंगे, ये बहुत बड़ी संतुष्टि होगी। प्रिय बंधु, यीशु को अपनाने पर ये सब छोड़ना होगा। कैसे? कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं, उसे अपना लीजिए, अपने हृदय में वास कराइए, फिर ये समस्त बदलाव अपने आप हो जाएंगे। प्रभु स्वयं ये कार्य अपने आप करेगा। उसके लिए उसके कलवरी क्रूस को देखकर हम प्रार्थना करें, प्रभु तेरा लहू आज हमें शुद्ध कर दे, ऐसा बोलकर प्रार्थना करें। हो सकता है अभिभावक अपने संतान के विषय में सोचकर दुखी हों कि मेरा बेटा इस प्रकार दुर्मार्ग पर चल रहा है, मेरी बेटी इस प्रकार सही अनुसरण नहीं कर पा रही है, सही तरह से पढ़ाई न करके अपने ही निर्णय लेकर जी रही है, अपनी संतान के बारे में ऐसा सोचकर आप दुखी हैं। रोइए नहीं, वो उनकी रक्षा करेगा। हम प्रार्थना करें। सबसे पहले नव युवक युवतियां, प्रिय युवकों, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपनी आंखें मूंद कर हे यीशु, अपनी जवानी के दिनों में तेरा ही ध्यान करेंगे, तो हमें चाहिए हमारे साथ रहना, अपने लहू से हमें धो दे, ऐसा बोलकर प्रार्थना कीजिए। परम पिता, तेरी अच्छी संतान के साथ मैं मिलकर प्रार्थना कर रहा हूँ। कलवरी क्रूस पर तूने जो अपना लहू बहाया उसका ध्यान कर हम प्रार्थना कर रहे हैं, तूने जो जवानी में लहू बहाया उसे हम देखकर प्रार्थना कर रहे हैं। हे यीशु, अपने लहू से हमें धो दे, हमें स्वच्छ कर दे, हमें पवित्र करके हमारे अंदर तू वास कर। जवानी के दिनों में तू ही तो हमारा सृजनहार है, ऐसा हम तुझे मानते हैं। तू मुझे चाहिए, ऐसा बोलकर जो कोई भी प्रार्थना कर रहा है उस हर एक संतान को तू अपने लहू से धो दे, पाप के अटूट बल से तू अपनी संतान को मुक्त कर दे। युवाओं को तूने मुक्ति दी थी, न छुटने वाली दुष्ट आत्माओं से तूने छुटकारा दिलाया है, इसी समय तेरा बल तेरे संतान के शरीर में आ जाए यीशु के नाम पर। पाप के कार्य कराने वाले शैतानी बल का नाश हो जाए, अपनी संतान को तू परिशुद्ध कर दे, अपने लहू से तू इन्हें परिशुद्ध कर दे, आज ही से इनमें प्रसन्नता जागृत हो जाए। तू इनके साथ ही रहकर इन्हें चमत्कारी रूप से चलाने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। इन्हें इनकी पढ़ाई में कृपा प्रदान कर, इनमें दृढ़ निश्चय पैदा कर, तू इनकी पढ़ाई में आशीर्वाद देकर इनका मनोबल मजबूत कर रहा है। परमपिता, मेरे बच्चों का भविष्य इस प्रकार हो गया है बोलकर भावुक होकर जो अभिभावक प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनकी सुधि ले रहा है। मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जिन्हें छुटकारा नहीं मिला, उस बेटे के लिए बेटी के लिए। हर हफ्ते प्रार्थना करने वाले अभिभावकों के साथ मिलकर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु मसीह के नाम से तू इनके बच्चों को छू ले, इनके बच्चों को तू छू ले, तू उनका भविष्य बदल रहा है यीशु के नाम पर। एक चमत्कारी बदलाव इनके परिवार में पैदा होना चाहिए, तूने ऐसा कर दिखाया, उसके लिए तेरा धन्यवाद। आज ही ये बदलाव पैदा होना चाहिए प्रभु इन बच्चों के भविष्य के लिए। प्रार्थना करता अभिभावकों में तू उतर कर आ, अभिभावकों की प्रार्थना तू सुन, इन बच्चों का तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। पढ़ाई करने वाले इन बच्चों को सफलता प्रदान कर, जो संतान पढ़ाई पूरी कर चुके उनके लिए नौकरी के मार्ग खोल, उनके जीवन में आशीर्वाद प्रदान कर। तू इनके साथ ये दिखा दे, एक अच्छा पारिवारिक जीवन तू अपनी संतान को प्रदान कर। प्रभु प्रार्थना करता अभिभावकों में तू उतर कर आ, अपने चमत्कार से तू इन्हें आनंद विभोर कर दे, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरे बच्चों का पारिवारिक जीवन ओहो तितर बितर हो गया है, अब इनके भविष्य का क्या होगा, रोते हुए अभिभावकों में तू उतर कर आ। यीशु मसीह के नाम पर उन परिवारों को तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो, दुष्ट आत्मा की क्रियाएं नष्ट हो जाए
यीशु मसीह के नाम पर आज ही इन परिवारों में चमत्कारी बदलाव हो उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु। मेरी कोख सुनी हो जाएगी, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दे बोलकर प्रार्थना करती माता मधु उतर करा। प्रभु गर्भाशय को स्पर्श कर बच्चे को अपना आशीर्वाद प्रदान कर, बच्चे को स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिले उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। इस प्रकार आशीर्वाद देने के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। बीमारी से जो बलहीन हो गए उन बच्चों के लिए जो अभिभावक प्रार्थना कर रहे हैं उनमें तू उतर कर आ। इन अभिभावकों की प्रार्थना सुनकर बच्चों की बीमारी प्रभु इसी समय ठीक कर दे। अपने घाव से इन्हें छू कर चंगाई प्रदान कर, इनके लिए चमत्कार हो यीशु के नाम पर। इन्हें संतुष्टि प्रदान कर, इनके घर में आज ही प्रसन्नता की लहर दौड़नी चाहिए प्रभु। इन्हें स्पर्श करने के लिए तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना कर रहे हैं परमपिता, आमीन आमीन। प्रिय बंधुओं, प्रभु ने प्रार्थना सुनी, आपसे बात कर आपको आशीर्वाद भी दिया। जवानी के दिनों में जिन्होंने उसे अपनाया, निरंतर उसे स्मरण कीजिए, हर रोज प्रार्थना कीजिए, बाइबल पुस्तक पढ़िए, यीशु साथ रहकर मार्ग दिखाएगा। और प्रिय अभिभावकों, बच्चों के विषय में आप चिंतित ना होइए, वो चाहे कैसी भी अवस्था में क्यों ना हो प्रभु उन्हें बदलकर गवाही में बदल देगा। आपके बच्चों का जीवन आशीर्वादित बन जाए ऐसा आप स्वयं देखेंगे, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 044-35-45-4545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.